राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी ने मिलकर 130 किलो गांजा ले जाने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। शमशाबाद डीसीपी मिस्टर एन प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया, विशाखापट्टनम से हैदराबाद को गांजा सप्लाई करने वाले शुभम सिंह के गैंग को राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी ने इन्फॉर्मेशन पर बड़े ही होशियारी से पकड़ लिया। इनके पास से 130 किलो गांजा, 1,80,000 रुपए की रकम, एक इंडिका कार, एक टू व्हीलर को जब्त कर लिया गया। डीसीपी मिस्टर एन प्रकाश रेड्डी ने मीडिया के जरिए नौजवानों से गुजारिश की, गांजा जैसे नशे के चीजों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि इसको हुकूमत ने गैर कानूनी बताया है। इस प्रेस मीट में शामिल एसीपी मिस्टर अशोक चक्रवर्ती, राजेंद्र नगर स्टेशन हाउस ऑफिसर मिस्टर जी सुरेश भी शामिल थे। पुलिस ऑफ साइबराबाद ने एक गांजा स्मगलिंग गैंग को पकड़ा है, इसमें पूरे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले भी ऐसे गांजे केसेस में जेल को भी जाए थे। इसमें से आज हम 4 लड़के और 2 लड़कियों को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास में से 130 केजी गांजा सीज किया था। वर्थ अबाउट 6.5 लाख का वर्थ है और 1.5 लाख का, 1,80,000 का पैसे भी इनसे जब्त किया है। इसमें से एक शुभम सिंह है, धूलपेट के रहने वाले। इनके ऊपर पहले भी 7 ऐसे गांजा केसेस हैं और सतीश सिंह, इनके ऊपर भी 2 केसेस हैं, पहला गांजा स्मगलिंग केसेस। और ये दोनों और एक मिलके सुरेंद्र सिंह बोल के वो आउटस्टैंडिंग में है, ये 3 मिलके ये पूरा गैंग इधर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक वेंकट बोल के मार्केटपली में रहने वाला नालगोंडा जिला का वो, और एक नरेश और उनका नवीन कुमार, तीनों मिलके विशाखापट्टनम गाजुआका से बड़े पैकेट्स में गांजा खरीद के 1-1 केजी 2500 के वास्ते वो खरीद के इधर ला रहा था। और इधर आरामगढ़ चौरासा में इन लोग को दे के फिर इधर से इनका जेलपल्ली में एक रेंटेड हाउस लिया है, इसमें से जो 2500 में 1-1 केजी इधर से ला रहे बड़े पैकेट में, उसको छोटे छोटे पैकेट में 12 ग्राम का नहीं तो 1/2 केजी का ऐसा पैकेट में डाल के इधर 5-6 हज़ार पर केजी के हिसाब से इधर भेज रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क में हमने सबको गिरफ्तार किया है। और इसमें से जो 130 केजी गांजा और 1,80,000 कैश और एक इंडिका का और एक टू व्हीलर ये पूरा सीज किया है और ये सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। और हम सभी बच्चे को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे गांजा कंज्यूम करना या तो स्मगलिंग करना है पूरा गैरकानूनी है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। तो हम सभी नौजवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे ही धंधे में मत। सबको सेटिंग पकड़ा सब लोग राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी टीम ने।